नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दिल्ली के सातों प्रत्याशी को बुलाया गया और जीत का जश्न मनाया गया, स्वागत किया गया। वहीं मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक भी हुई। वहीं सभी सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। मैं पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की जनता जनार्दन को हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमें जीत दिलाई है। ये जीत आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों पर 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर दी है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं क्षेत्र की जनता को कि विकास के कार्यों की गति को और बढ़ाएंगे और उनके लिए हम रात दिन काम करेंगे। क्या लगता है जो एजेंडा आपने रखा था जीतने के बाद, उसके 100 दिन के अंदर उसको क्या कितनी गतिविधि से काम होगा? 100 दिन के अंदर पूरी गति से काम होते हुए नजर आएंगे। हमने ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार किया है और हमारी लोकसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो जो गांव और अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां पर जो भी ग्राम सभा और डीडीए की खाली ज़मीन है, उनके ऊपर पार्क बने, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने, कम्युनिटी हॉल बने, इसके लिए जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ रोड हमारे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको जाम फ्री करवाएंगे। मेट्रो फेजेस 2 आने हैं, उनके लिए मैं सरकार से मिलकर जैसी सरकार बनती है बात करेंगे। तो क्षेत्र की जनता को जो भी हमने 100 दिन के लिए अपना एक मैनिफेस्टो में वादा किया था, हम उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और NDA अलायंस पूर्णतः बहुमत से है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी अपनी सरकार बनाने के लिए 10 साल से इस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता चाहेगी कि उन्हीं की सरकार बने और NDA की ही सरकार बहुत जल्द देखने को मिले। जो भी एक सांसद के काम है, मेयर के रूप में काम किया है, पार्षद के रूप में जब काम किया है, तो लीडर ऑफ हाउस रही, स्टैंडिंग कमेटी मेयर रही, तो इन सब में जो भूमिका में अब सांसद की जो भूमिका होगी, मैं पूर्णतः अपने मेहनत करके उस काम को करूँगी। जी, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी की कमी है, उसको लेकर आप कहते हैं किस तरीके से उसको करेंगे? सबसे पहले जो डिस्पेंसरीज हैं उनके क्या क्या फैसिलिटीज है उनको देखेंगे और एक नया हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है, उसको जल्द ही पूरी से पूरी सुविधा वहाँ पे मिले, इसके लिए कोशिश करूँगी। और एक और हॉस्पिटल रोशनपुरा में जगह है, उसको हम कितनी जल्दी क्षेत्र के लिए, जनता के लिए ला सकते हैं, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी। अभी जीत को लेकर भाई, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जल कल्याणकारी योजनाएं थी, अनेक जो विकास के तोहफे उन्होंने दिल्ली के लोगों को दिए, अनेक ऐसी योजनाएं उन्होंने दिल्ली में शुरू की जिससे गरीब लोगों को बहुत लाभ मिला। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया, झोपड़ी के लोगों को पक्के मकान बनाने का जो काम है वो शुरू किया गया, खोखा पट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई, 73 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी जी की सरकार ने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की, जिनके पास हाथ का हुनर है, धोबी है, कुम्हार है, लोहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, उनको 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये उपलब्ध कराए। दिल्ली में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए। दिल्ली में आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है, 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, तीसरा रिंग रोड दिल्ली में बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर चंडीगढ़ देहरादून पहुँच जाते हैं, 10 घंटे में अब हम द्वारका से मुंबई पहुँच जाएंगे। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके प्रगति मैदान के साथ एक अच्छी टनल बनाई है, नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, नेशनल पुलिस वार मेमोरियल बनाया है, मोदी जी की सरकार ने कर्तव्य पथ बनाया है, देश को एक नई पार्लियामेंट दी है, जहाँ कभी इंडिया गेट के समीप इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को मोदी जी की सरकार ने सम्मानित किया है। मोदी जी की सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर भी दिया है। मोदी जी की सरकार वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना रही है, टनल बना रही है, जिसके ऊपर लगभग 2700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मोदी की सरकार ने द्वारका में 137 एकड़ जमीन के ऊपर भारत वंदना पार्क बनाया है जो वर्ल्ड क्लास पार्क है। तो लोगों ने एक तरफ मोदी जी की सरकार के ये ऐतिहासिक विकास के कार्य देखे, जन कल्याणकारी योजनाएं देखी, और गरीब लोग जो झुग्गी में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको पक्के मकान बना के देना, उनको रेगुलराइज करना, ये इन सारे कामों से प्रभावित होकर मोदी जी के लीडरशिप में भाजपा को वोट मिला है, 7 उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल
के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग ये मानते थे कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली का हजारों करोड़ रुपया लूटा है और इसके साथ साथ उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया, कोई नया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया नहीं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है, यमुना पहले से ज़्यादा जहरीली हो गई है। तो लोगों ने मन बना लिया है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे कि वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली बन सके मोदी जी के मार्गदर्शन में। देखिए, सातों सीटें हम जीते हैं। दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया और उनके नेतृत्व में हम जो सातों सीटें जीत कर आए, अब दिल्ली के सभी सांसद सेवक बनकर दिल्ली की आवाज़ उठाएंगे। कहीं ना कहीं जो 400 सीट का जो पार्टी का नारा था, देखिए, एक हम एक लक्ष्य तय करते हैं, कि उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अब उसमें तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, हमारा सपना तो पूरा हो रहा है, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने का काम इससे आगे और गति से करेंगे। सर, नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।